हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 56। तो बेटे, ये 12वीं यूनिट का 56वां वीडियो है, और इससे पहले 55 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, और आज का हमारा टारगेट है कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। और कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में जो सबसे पहला प्रकार होता है, योगात्मक अभिक्रिया। आज हमारा पूरा फोकस रहेगा योगात्मक अभिक्रिया पर। तो जल्दी से आप पहले हेडिंग लिख लो अपनी नोटबुक में, वीडियो पॉज करके ये हेडिंग हिंदी में और इंग्लिश में लिख लो, जल्दी से लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे हमने हेडिंग लिखी है कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि सर, कार्बनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? कार्बनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कार्बनिक यौगिकों में या कार्बनिक पदार्थों में होने वाली अभिक्रियाएं। और आपको ध्यान ये रखना है कि कार्बनिक यौगिकों में या कार्बनिक पदार्थों में होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं मुख्य रूप से चार प्रकार की। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? चार प्रकार की। और इन चारों प्रकारों के नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहली अभिक्रिया तो होती है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया को आप इंग्लिश में कह सकते हो एडिशन रिएक्शन। क्या कह सकते हैं? एडिशन रिएक्शन। तो एक तो हुई योगात्मक अभिक्रिया। दूसरे प्रकार की जो कार्बनिक अभिक्रिया होती है उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम इंग्लिश में कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और तीसरे प्रकार की ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं निराकरण या विलोपन अभिक्रिया। निराकरण अभिक्रिया भी आप कह सकते हो इसे, या आप कह सकते हो विलोपन। इन सारी अभिक्रियाओं को हम वन बाय वन पढ़ेंगे और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो निराकरण या विलोपन अभिक्रिया है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और चौथे प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे हम कहते हैं पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। अच्छा, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है पुनर्विन्यास अभिक्रिया का एक दूसरा नाम समावयवीकरण अभिक्रिया, ठीक है। पर आप इस नाम को जरूर ध्यान रखोगे, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इंग्लिश में इसे कहते हैं री अरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि कार्बनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? चार प्रकार की। तो इसमें से जो पहला प्रकार है वही आज हमारा टारगेट है। पहला प्रकार है योगात्मक अभिक्रिया। तो आप हेडिंग लिख लो योगात्मक अभिक्रिया, हेडिंग लिख लो योगात्मक अभिक्रिया, या योगात्मक अभिक्रिया को आप कह सकते हो एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन,
अब कार्बनिक अभिक्रियाओं का जो पहला प्रकार है, योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन, ये बहुत आसान है और सब बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि आपका यदि कहीं डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर किसी पदार्थ का, या यूं कह दो कार्बनिक पदार्थ का योग होता है, ठीक है? तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर किसी पदार्थ का यदि योग हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो कैसी अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया। तो यहां मैं लिखता हूं, इस अभिक्रिया में, डबल या ट्रिपल बॉन्ड पर, डबल या ट्रिपल बॉन्ड पर किसी पदार्थ का, क्या होता है, योग होता है, किसी पदार्थ का योग होता है। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर यदि किसी पदार्थ का योग हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ योगात्मक अभिक्रिया के, एक एग्जाम्पल से। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबको इसका नाम पता है, इसे दो कार्बन है तो एथ, डबल बॉन्ड है तो ईन। वैसे आप इसे इथाइलीन भी कह सकते हो, इथाइलीन। और यदि मैं कहूँ कि इसके ऊपर हमें योग करना है ब्रोमीन का, योग करना है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, आपको पता है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, दो बी आर हैं, एक बी आर इधर जुड़ जाएगा और एक बी आर इधर जुड़ जाएगा, तो यहां बनेगा CH2 Br, CH2 Br सिंगल बॉन्ड, यहां भी बनेगा CH2 Br, CH2 Br, ठीक है? तो ये तो था इथाइलीन, और ये हो जाएगा डाई ब्रोमो, दो ब्रोमो आ गए ना, इसे आप लिख सकते हो डाई ब्रोमो इथाइलीन। ये मैंने सामान्य नाम लिखे हैं, IUPAC नाम नहीं लिखे हैं बिल्कुल भी, ठीक है? इसका IUPAC नाम होता है एथीन, और इसका IUPAC नाम होता है 1,2-डाई ब्रोमो एथीन, ठीक है? समझ में आई ना बात? पर मैंने यहां लिखे हैं सामान्य नाम। आपको ध्यान रखना है सिर्फ इतना कि योगात्मक अभिक्रिया का मतलब होता है कि इस अभिक्रिया में डबल या ट्रिपल बॉन्ड पर किसी पदार्थ का योग होता है। देखो डबल बॉन्ड पर ब्रोमीन जुड़ा है इस रिएक्शन में, तो ये एक प्रकार की क्या है, योगात्मक अभिक्रिया है। जल्दी से पॉज करके लिखो आप, फिर अगली बात बताता हूं। लिख लिया बेटे? ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रकार के बारे में कि योगात्मक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, प्रकार कह दो या टाइप्स कह दो, योगात्मक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो हमें देखना है, हम जो योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रकार बताते हैं वो बताते हैं अटैकिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग, कि आक्रमणकारी अभिकर्मक कैसा है, जिसने सबसे पहले आक्रमण किया है। तो आक्रमणकारी अभिकर्मक यानी अटैकिंग रिएजेंट्स के आधार पर ये जो हमारी योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं, ये होती हैं तीन प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। यदि कोई आपसे पूछेगा कि आक्रमणकारी अभिकर्मक की प्रकृति के आधार पर यानी अटैकिंग रिएजेंट्स की नेचर के अकॉर्डिंग जो एडिशन रिएक्शंस हैं वे कितने टाइप्स की होती हैं, तो आप बताना तीन टाइप्स की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। और तीन प्रकार में जो सबसे पहला प्रकार हमें डिस्कस करना है, अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ध्यान से समझना। सबसे पहला जो प्रकार होता है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन स्नेही, योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो सबसे पहले इसे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया को आप इंग्लिश में लिख सकते हो, देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही को इस संकेत से आप प्रदर्शित कर सकते हैं ना, तो इसे लिखते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन,
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जो योगात्मक अभिक्रियाएं हैं तीन प्रकार की होती हैं, और उन तीन प्रकार में जो पहला प्रकार है वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया उन योगात्मक अभिक्रियाओं को कहते हैं जिनमें पहला आक्रमणकारी अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। ध्यान रखना, तो यहां आप लिख सकते हो कि इनमें, इनमें का मतलब इन योगात्मक अभिक्रियाओं में, इनमें पहला, पहले को मैंने लिख दिया फर्स्ट, आक्रमणकारी अभिकर्मक को हम क्या कहते हैं, अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट। इनमें पहला यानी फर्स्ट अटैकिंग रिएजेंट कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, ये इसकी परिभाषा है। यदि कोई आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए कि जिन अभिक्रियाओं में पहला आक्रमणकारी अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। कैसे होता है, देखो इस सारी बातों को मैं समझाऊंगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेता हूं, पहले एक एग्जाम्पल देख लो। पहले इसका, हमारे पास ये डबल बॉन्ड है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और इसके ऊपर हमें योग करना है हाइड्रोजन हैलाइड का, एच एक्स का। तो हमें पता है कि जब एच एक्स का रिएक्शन होगा तो ये बॉन्ड एक टूट जाएगा इसमें से, चाहे तो ऊपर का बॉन्ड तोड़ दो चाहे तो नीचे का, जो भी पाई बॉन्ड होगा, एक तरफ जुड़ेगा एच और एक तरफ जुड़ेगा एक्स, ये तो पता ही है आपको। तो हमारे पास कंपाउंड ऐसा बनेगा, कार्बन, ये दो बॉन्ड इसके पास पुराने थे, एक इसके ऊपर जुड़ गया है एच, यहाँ एक बॉन्ड टूट गया तो एक बचा, ये कार्बन, ये दो बॉन्ड पुराने थे और यहां नया परमाणु जुड़ा है एक्स। तो ये योगात्मक अभिक्रिया है। पर इस योगात्मक अभिक्रिया में यदि मैं आपको कहूं कि इसकी क्रियाविधि समझेंगे, चलो एक हेडिंग लिखता हूं कि इसकी क्रियाविधि, कि ये योगात्मक अभिक्रिया कैसे होती है, क्रियाविधि को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैकेनिज्म। तो यदि आप इसकी क्रियाविधि समझने जाओगे, मैकेनिज्म समझने जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें तीन स्टेप हैं। इसके मैकेनिज्म में कितने पद हैं, कितने स्टेप हैं, तीन। पहला स्टेप क्या है, देखो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपका जो ये पदार्थ है जिसे इसके ऊपर जुड़ना है एच एक्स, ये एच एक्स इसमें होता है विषम विदलन। क्या होता है, विषम विदलन, और विषम विदलन से ये टूटता है एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल में। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन स्नेही और एक नाभिक स्नेही में। आपको पता है कि भाई हाइड्रोजन और हेलोजन इन दोनों में किसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, हेलोजन का, इसलिए इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ को सरके हुए होंगे, हेलोजन की तरफ को। तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा इस तरीके से, इसमें विषम विदलन होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन हेलोजन लेकर चला जाएगा। आप इसे चाहे ऐसे दिखा दो या फिर आप तीर के निशान से ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, जब तीर का निशान पूरा होता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन के जोड़े के शिफ्टिंग को हम दिखाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, इसका भी इलेक्ट्रॉन गया इसके पास, तो यहाँ एक तो बना एच पॉजिटिव और एक बना एक्स नेगेटिव। ये तो है इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये है न्यूक्लियोफाइल। तो पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप का नाम यदि आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण। यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रोफाइल का संकेत होता है ये, इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण या फॉर्मेशन। तो पहले स्टेप में तो इलेक्ट्रोफाइल बनता है, समझना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन स्नेही बनता है पहले स्टेप में। पहले स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही बनता है। अब बात करेंगे दूसरे स्टेप की, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में यही तो है। देखो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की पहचान ये होती है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है नॉर्मली। दूसरे स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का योग होगा इस डबल बॉन्ड के ऊपर। देखो ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड कार्बन, इसके ऊपर योग होना है डबल बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का। हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है दोनों में से, एच पॉजिटिव है, ध्यान से समझना बिल्कुल। और ये जो स्टेप है वो स्लो स्टेप है, ये पद मंद पद है। ठीक है, इसका भी बहुत बड़ा फायदा है,
कि मंद पद है तो इससे क्या पता चलता है? अभी तो सिर्फ इतनी बात समझो कि इसमें से जो पाई बॉन्ड होगा उस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन परमाणु की तरफ विस्थापित हो जाएंगे या चले जाएंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग। मान लो इधर चले गए, समझना ध्यान से, इधर चले गए या फिर आप इन्हें इधर भी ले जा सकते हो कि इधर चले गए मान लो, तो जिस तरफ ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसी तरफ ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है उसी कार्बन पर। इसे कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सारी चीजें सिखा रखी हैं मैंने पहले से ही, तो आपको पता है कि ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन की तरफ जाएंगे उधर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, माइनस आ जाएगा ना उसके ऊपर, और इधर आ जाएगा प्लस। जहां माइनस आया वहीं तो ये धनावेशित पार्टिकल जाके जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल वहीं जुड़ेगा जहां नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जिस तरफ पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाते हैं जिस कार्बन पर, उसी कार्बन पर यदि हमारा अटैकिंग रिएजेंट जुड़ जाता हो तो ऐसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये चीज मैंने आपको समझा रखी है। ठीक है, तो होगा क्या, यहां जो है ये आपका कार्बन के ऊपर दो बॉन्ड पुराने थे, दोनों इलेक्ट्रॉन जब यहां आए तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा इस कार्बन के ऊपर, इसके ऊपर पॉजिटिव, और नेगेटिव को इस एच पॉजिटिव ने यहां जुड़ के उदासीन कर दिया होगा। तो हाइड्रोजन तो जुड़ गया हमारा यहाँ, ठीक है, यहाँ रह गया सिंगल बॉन्ड, और ये कार्बन है और इसके बाद दो बॉन्ड हैं, पर दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले गए थे, नेगेटिव चार्ज आ गया था, नेगेटिव को इस पॉजिटिव ने यहां से आके खत्म कर दिया। तो इस कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज अभी है, तो ये हमारा जो है ना इंटरमीडिएट बना, क्या बना, इंटरमीडिएट, जिसे आप कहते हो अभिक्रिया मध्यवर्ती। और ये एक कैटायन है, देखो धनायन है ना ये, तो आप इसे कह सकते हो, इसका नाम यदि लिखना है तो इसे आप लिख सकते हो इंटरमीडिएट कार्बो कैटायन, आप लिख सकते हो इंटरमीडिएट कार्बो कैटायन। तो इसमें सेकंड स्टेप में क्या हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करा, और थर्ड स्टेप में क्या होगा बेटे, अब हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल था वो तो अटैक कर चुका है, अब अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर, कार्बो कैटायन के ऊपर। ये हमारा कार्बन है, हाइड्रोजन पहले ही जुड़ चुका है, यहां भी कुछ जुड़ा हुआ है, यहां भी कुछ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ तो दो संयोजकता पे तो कोई जुड़ा हुआ है इसकी, ये एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक संयोजकता खाली है, इसने अटैक कर दिया, अब ये अटैक करेगा। ठीक है, इसे आप कहोगे न्यूक्लियोफाइल, और ये स्टेप होगा फास्ट। देखो स्लो और फास्ट लिखने का क्या मतलब है मैं बताऊंगा, ये हमारा अटैक कर देगा यहाँ, इसका अटैक कहाँ होगा, यहाँ होगा, और ये प्लस और माइनस एक दूसरे को उदासीन कर देंगे और प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, यहाँ तो जुड़ा है एच और यहाँ जुड़ा है एक्स, देखो यहाँ तो जुड़ा है एच, यहाँ तो जुड़ा है एक्स। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया है उस एग्जाम्पल की क्रियाविधि में बताए हैं तीन स्टेप। पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण हुआ ये, दूसरे स्टेप में क्या हुआ, डबल बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमें देखने को मिला और डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करा इलेक्ट्रोफाइल ने। तो पहला अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, या इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया इसीलिए है क्योंकि इसमें प्रथम आक्रमणकारी अभिकर्मक इलेक्ट्रोफाइल है। फिर क्या हुआ, जब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करा तो हमें एक प्राप्त हुआ इंटरमीडिएट अभिक्रिया मध्यवर्ती, जो एक कार्बो कैटायन था। अब इस कार्बो कैटायन के ऊपर अटैक करेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल ने, तो पहले ही अटैक कर दिया था, अब ये बचा था न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसे आप कहोगे कि ये क्या है, प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट। तो आप यदि इन तीनों स्टेप के नाम लिखना चाहते हो तो पहले स्टेप का नाम तो मैंने लिख दिया, इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। दूसरे स्टेप का नाम है इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण या अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तीसरे स्टेप का नाम आप लिख सकते हो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब कुछ वैज्ञानिकों का मानना तो यह है, देखो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, कुछ वैज्ञानिक, कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया
तीन स्टेप में कंप्लीट होती है, और उनमें जो आक्रमणकारी अभिकर्मक पहला है वो इलेक्ट्रोफाइल है। देखो, इलेक्ट्रोफाइल ने पहले अटैक करा, न्यूक्लियोफाइल ने बाद में। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना यह है कि इस रिएक्शन में तीन स्टेप में होती है, पर इस रिएक्शन में फर्स्ट अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना यह है कि इस रिएक्शन में तीन स्टेप हैं, और तीन स्टेप में हमें देखना होता है कौन सा स्लोएस्ट स्टेप है। तो उन्होंने कहा कि स्लोएस्ट स्टेप है सेकेंड वाला स्टेप, सेकेंड स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप। और जो किसी भी जटिल अभिक्रिया में या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या जटिल अभिक्रिया उसे कहते हैं जो एक से ज्यादा पदों में पूरी होती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद जो है, जिस पद से वेग का निर्धारण होगा कि रिएक्शन कितनी फास्ट चलेगी कितनी स्लो चलेगी, उसे हम कहते हैं वेग निर्धारक पद। तो वेग निर्धारक पद होता है सबसे धीमा पद, और सॉरी सॉरी, सबसे जो धीमा पद होता है वही वेग निर्धारक पद होता है, और उसी से ही हमें पता चलता है कि रिएक्शन का चलने का स्पीड कितना रहेगा, और उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो दूसरे टाइप के जो वैज्ञानिक है उनका मानना है कि तीनों स्टेप में से सेकंड स्टेप स्लो स्टेप है, यानी अभिक्रिया इसी स्टेप के ऊपर डिपेंड करती है, और इस स्लोएस्ट स्टेप में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप माना जाता है, वेग निर्धारक पद माना जाता है, उसमें अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो मैंने आपको दोनों कंसेप्ट बता दिए यहाँ, और इन दो कंसेप्ट में से किसी एक कंसेप्ट को ही टीचर आपके स्कूल के क्लियर करेंगे, या तो वो कहेंगे कि इस रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया इसलिए है क्योंकि इसमें फर्स्ट अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होता है, और या फिर मैं कहेंगे कि इस रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसलिए है क्योंकि ये तीन स्टेप में कंप्लीट होती है, और जो इसका स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वेग निर्धारक पद है, उसमें अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि हमने पहला प्रकार पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। जल्दी से पॉज करके लिखो, आप पॉज करके लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है। दूसरा प्रकार जो हमें पढ़ना है वो है मुक्त मूलक, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। और मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया को आप इंग्लिश में कह सकते हो, मुक्त मूलक को क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो दूसरा प्रकार हमें यह पढ़ना है, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया या फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें फर्स्ट अटैकिंग रिएजेंट क्या है, फ्री रेडिकल। तो इसकी परिभाषा यदि लिखनी है तो आप लिख सकते हो कि इन रिएक्शन में फर्स्ट अटैकिंग रिएजेंट, फर्स्ट अटैकिंग रिएजेंट, मतलब इस प्रकार की योगात्मक अभिक्रियाओं में फर्स्ट अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल होता है। ठीक है, कैसे होता है, एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। मान लो हमारे पास एक एल्कीन है, और एल्कीन है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। जैसे हमने पहला जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ी उसमें भी हमने एल्कीन ही लिया था, डबल बॉन्डेड कंपाउंड ही लिया था। हमें इसके ऊपर रिएक्शन करना है, मान लो क्लोरीन का रिएक्शन करना है, क्लोरीन का कर दो या ब्रोमीन का, और सनलाइट की प्रेजेंस में करना है। एच न्यू का मतलब होता है सनलाइट, फिजिक्स वाले टीचर आपके पढ़ाते होंगे, एच न्यू का मतलब होता है फोटोन। तो क्या होता है, इसमें एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक सीएल इधर जुड़ेगा, एक सीएल इधर, यहां बनेगा हमारे पास CH2Cl, सिंगल बॉन्ड CH2Cl।
पर हमें समझना है कि रिएक्शन होगी कैसे, हमें समझना है इसका क्रियाविधि, या क्रियाविधि को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैकेनिज्म। क्रियाविधि या मैकेनिज्म समझना है, और इसके मैकेनिज्म में भी तीन स्टेप होंगे। कितने स्टेप्स होते हैं? तीन स्टेप्स होते हैं इसके मैकेनिज्म में भी। कौन कौन से तीन स्टेप हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले स्टेप में आपका जो ये Cl2 है ना, Cl2 को आप ऐसे लिख सकते हो, और इसमें यहां एक है हमारे पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर हाई टेम्परेचर पर, या तो सनलाइट होनी चाहिए या फिर उच्च ताप होना चाहिए, हाई टेम्परेचर, इसमें होगा संविदलन ऐसे। यानी ये इलेक्ट्रॉन तो गया यहां और ये इलेक्ट्रॉन गया यहां। आपको पता है, मैंने सिखा रखा है, जब एक इलेक्ट्रॉन को दिखाना हो तो आप आधे तीर से दिखाओगे, फिश हुक एरो से दिखाओगे। क्या होगा, एक Cl मुक्त मूलक तो ये बना और एक Cl मुक्त मूलक ये बना। तो पहले स्टेप का नाम यदि लिखना है ना, तो आप लिख सकते हो मुक्त मूलक। मुक्त मूलक को क्या कहते हैं हम, फ्री रेडिकल। मुक्त मूलक का निर्माण, या केवल ऐसे लिख दो मुक्त मूलक निर्माण, जिस तरह वहां हमारे पिछले रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में क्या बना था, इलेक्ट्रोफाइल, यहां बन गया फ्री रेडिकल। सेकंड स्टेप में क्या होता है, देखो सेकंड स्टेप में होता है कि आपका जो ये डबल बॉन्ड है CH2, डबल बॉन्ड CH2, इसमें होता है पाई बॉन्ड का संविदलन। बहुत ध्यान से समझना, आपको पता है कि इसमें पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो इधर गया इस कार्बन पे और एक इलेक्ट्रॉन चला गया इस कार्बन पे, संविदलन हुआ, और संविदलन से एक कार्बन के ऊपर भी डॉट आ जाएगा यानी फ्री रेडिकल, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा डॉट, और इसी समय अटैक करेगा Cl फ्री रेडिकल। तो फ्री, जो फ्री रेडिकल है हमने जो बनाए हैं उनमें से कोई सा एक फ्री रेडिकल यहां कोई से एक कार्बन पर अटैक कर देगा, और अटैक करने से हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा CH2Cl। देखो एक तो इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला यहां आ चुका है, तो उस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के जुड़ने के कारण एक बॉन्ड बन जाएगा यहां, इसलिए CH2 के साथ ये Cl जुड़ गया। भाई दो तरफ तो इसके हाइड्रोजन जुड़ रहे होंगे, एक तरफ इसके Cl आ गया होगा, ऐसा ही तो हुआ होगा। आप CH2Cl को ऐसे भी तो दिखा सकते हो, मान लो आपको ऐसे नहीं दिखाना है तो आप कहोगे कि सर होगा क्या कि एक पुराना H और ये भी पुराना H, ये नया जुड़ा आके Cl और ये सिंगल बॉन्ड है। अब क्या है, इस कार्बन के ऊपर ये पुराना H है और ये पुराना H है और एक फ्री रेडिकल हमने दिखा दिया, तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ये क्या है, ये है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल मुक्त मूलक। मैंने आपको बता रखे हैं इंटरमीडिएट, पांच तरह के इंटरमीडिएट सिखा रखे हैं, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट है, अभिक्रिया मध्यवर्ती है। अब आपके समझ में अपने आप आ गया होगा कि तीसरे स्टेप में क्या होगा, भाई इसने तो अटैक कर ही दिया, अब ये बचा ये भी अटैक कर देगा, जहां कहीं से भी उसे फ्री रेडिकल Cl वाला मिलेगा। देखो सी पुराना एच, पुराना एच नया Cl जुड़ा था इसके ऊपर, इसे लिख रहा मैं सिंगल बॉन्ड, सी पुराना H, पुराना H और एक डॉट, डॉट माने फ्री रेडिकल। इस इलेक्ट्रॉन के तो पूरी बेचैनी हो रही होगी कि कहीं से मुझे मेरे जैसा ही एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए और हम बॉन्ड बना के खुशी से रहें। तो मान लो इसने पहले अटैक किया था, अब ये अटैक कर जाएगा, कहीं से भी इसे Cl फ्री रेडिकल मिलना चाहिए कहीं से भी, तो इसका अटैक होगा यहां, और यहां अटैक होने से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखो CH2Cl लिख दूं, बस इसे ऐसे लिख दूं CH2Cl सिंगल बॉन्ड, ये भी CH2 और ये Cl आ गया CH2Cl, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, अब यदि आप इन स्टेप के नाम लिखना चाहते हो, मान लो आप चाहते हो कि मुझे तो इन स्टेप्स के नाम लिखने हैं, तो पहले स्टेप का नाम तो मैंने यहां लिख दिया फ्री रेडिकल का निर्माण या फ्री रेडिकल निर्माण। दूसरे स्टेप में आप लिखोगे डबल बॉन्ड पर फ्री रेडिकल Cl मुक्त मूलक का अटैक। तीसरे स्टेप में आप लिखोगे जो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल पर या अभिक्रिया मध्यवर्ती मुक्त मूलक पर
दूसरे क्लोरीन मुक्त मूलक का अटैक या आक्रमण। पहले मुक्त मूलक का आक्रमण हुआ, उससे बना इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट पे फिर दूसरे मुक्त मूलक का आक्रमण होगा। तो इस तरीके से इन स्टेप के नाम भी आप लिख सकते हो यदि लिखना चाहते हो। ठीक है बेटे, तो ये हुआ हमारा मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगले प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया आपको बताता हूं मैं। पोज करके लिखो बेटे। लिख लिया? ठीक है। तीसरे प्रकार की जो योगात्मक अभिक्रिया हमें पढ़नी है उसे हम कहते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो हम हेडिंग लिखेंगे नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, या नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक, ऐसे लिखते हैं ना न्यूक्लियोफिलिक को, नाभिक स्नेही का संकेत यह है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसका मतलब समझेंगे। चलो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि यदि कोई पूछता है कि इसकी परिभाषा बताओ, तो हम बताएंगे ऐसी योगात्मक अभिक्रिया जिसमें पहला आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही हो। ठीक है, तो आप यहां एक लाइन में लिख लो, फर्स्ट अटैकिंग रिएजेंट इज न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। पहला आक्रमणकारी अभिकर्मक क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। जैसे मैं एक एग्जांपल से इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करूंगा। एक एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं एसीटोन CH3, और यहाँ भी CH3, और यहाँ कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। भाई डबल बॉन्ड पर ही तो योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होती है। इस कंपाउंड का नाम है एसीटोन। 11वीं वाले बच्चे सिर्फ इतना समझ लेंगे इसका नाम एसीटोन है। ठीक है, कीटोन है ना ये, मैंने आपको IUPAC में भी सिखा रखा है इसका नाम एसीटोन है। अभी केवल एसीटोन की इसी रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पर जब आप मेहनत करने के बाद 12th क्लास में आ जाओगे ना, तो हम एसीटोन का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे 12th क्लास में। ठीक है, अभी 11th वाले सिर्फ ध्यान दो, इसका नाम एसीटोन है, ये कीटोन है, RCOR। यदि मैं कहूं कि एसीटोन के ऊपर हमें योग करना है हाइड्रोजन साइनाइड का, तो हाइड्रोजन साइनाइड का जब आप योग करोगे तो इसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, एक बॉन्ड टूट जाएगा, मान लो पाई बॉन्ड टूट गया ऊपर या नीचे वाला, एक तरफ तो जुड़ेगा H और एक तरफ जुड़ेगा CN, यानी ऑक्सीजन के साथ H जुड़ेगा, कार्बन के साथ CN। तो प्रोडक्ट ये मिलेगा आपको CH3, यहाँ भी CH3, और ये कार्बन है, और हमने O के साथ H जोड़ दिया, और यहाँ CN। अब ये प्रोडक्ट बनता कैसे है उसी के बारे में तो बात चलेगी। इसे हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, और किसका साइनोहाइड्रिन है? एसीटोन का। तो इसका पूरा नाम हो जाता है एसीटोन साइनो हाइड्रिन, एसीटोन साइनो हाइड्रिन। ठीक है, अब देखो, अब मैं इस बात को आपको समझाऊंगा कि यदि इसका मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं, मैकेनिज्म का मतलब क्रियाविधि, यदि आपको इसकी क्रियाविधि पढ़नी है मान लो, तो इसमें भी आपके 3 ही स्टेप होते हैं, 3 स्टेप्स, इसमें 3 ही पद होते हैं, 3 ही चरण होते हैं। पहले चरण में क्या होगा कि आपका जो हाइड्रोजन साइनाइड है इसमें विषम विदलन होगा, H बॉन्ड CN। आपको पता है कि इसमें बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और वे CN की तरफ इस तरह चले जाएंगे, बॉन्ड यानी यहां से टूटेगा बॉन्ड, और यहां से टूटेगा, तो जभी तो हमने कहा विषम विदलन हो रहा है इसमें, और विषम विदलन से आपको एक तो मिलेगा H पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल, और एक मिलेगा आपको CN नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल। यह हमारा न्यूक्लियोफाइल है यानी फर्स्ट अटैकिंग रिएजेंट। अब स्टेप नंबर सेकंड में क्या होता है ध्यान से देखना, ये आपका जो डबल बॉन्ड है इसे बनाता हूं CH3, यहां भी CH3, और यहां कार्बन, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब मुझे ये बताओ, इस पाई बॉन्ड के
इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन विषम विदलन हुआ, इस बॉन्ड में यदि विषम विदलन हुआ या यूं कह दो कि इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमें दिखाई दिया, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ही तो चले जाएंगे। ये है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और ये पता कब होगा? ये जब होगा जब यहां अटैक करने आ चुका होगा सीएन नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल। तो मुझे एक बात सोच के बताओ कि जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले गए तो उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये जो हमारा नेगेटिव वाला आयन है वो पॉजिटिव वाले कार्बन पर ही तो जुड़ेगा जाकर। इस चीज को समझना पड़ेगा, यही चीज है बस समझने वाली आपके लिए। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमेरिक पाई के, दोनों इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के कारण यहां चले गए, जो इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, ऑक्सीजन था ज्यादा, विद्युत ऋणात्मक इधर चले गए, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो हमारा नेगेटिव वाला आयन पॉजिटिव वाले कार्बन पे तो जुड़ेगा आगे। तो पहला आक्रमणकारी अभिकर्मक यहां न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। होगा क्या? CH3, यहां भी CH3 और यहां हमारा कार्बन, और कार्बन के ऊपर क्या जुड़ गया? CN, साइनाइड ऐसे जुड़ गया। और ये हमारे पास जो है ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन गए थे तो नेगेटिव चार्ज यहां आया ऑक्सीजन के ऊपर। ये हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है। जैसे पहले स्टेप में हमने न्यूक्लियोफाइल का निर्माण किया है, तो पहले स्टेप का नाम आप लिख सकते हो न्यूक्लियोफाइल का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, पहले स्टेप का नाम। सेकंड स्टेप का नाम आप लिख सकते हो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण या नाभिक स्नेही का आक्रमण डबल बॉन्ड के ऊपर। तो ये जो हमें नाभिक स्नेही ने डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करा, इस अटैक में आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखने को मिला। मैंने आपको समझा रखा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है, सिर्फ तभी काम करता है जब मेहमान दरवाजे पर खड़ा हो जाता है आकर। और इस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आपने एक बात नोट करी होगी कि पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु की तरफ गए उस परमाणु से दूर अटैक करा अटैकिंग रिएजेंट ने, इसे कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है यदि पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन की तरफ जा रहे हैं उसी कार्बन पर अटैक कर जाए अटैकिंग रिएजेंट, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यहां देखने को मिला, जिससे हमें मिला इंटरमीडिएट। तो आप इसे लिख सकते हो ये क्या है? इंटरमीडिएट कार्ब ऋणायन नहीं आप कहोगे इसे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो ऑक्सीजन के ऊपर है, ठीक है, इंटरमीडिएट एनायन कह दो सिर्फ आप इसे, इंटरमीडिएट एनायन, ठीक है, इंटरमीडिएट एनायन, कार्ब एनायन नहीं कह सकते। समझ में आ रही ना बात? कार्ब एनायन तो उसे कहते हैं जब नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर हो, यहां कार्बन के ऊपर तो नहीं है नेगेटिव चार्ज, इसलिए आप इसे कार्ब एनायन नहीं कह सकते, कार्बन एनायन नहीं कह सकते, ये इंटरमीडिएट है, एनायन है। अब आते हैं हम नंबर थर्ड पर, तीसरे स्टेप पर, मतलब हमारे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, एक इंटरमीडिएट बना दिया। तीसरे स्टेप में क्या होगा कि जो हमारा ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है CH3 CH3 O, यहां CN को ऐसे जोड़ दूं क्या? और सॉरी कार्बन है यहां, कार्बन, और ये हो गया O नेगेटिव, ठीक है ना भाई? आप इसे CN को ऐसे जोड़ सकते हो ना, देखो थोड़ा डिजाइन अच्छा लगेगा ना, CN यहां जोड़ दिया और यहां O नेगेटिव, बात तो एक ही है जैसा प्रोडक्ट बनने जा रहा। अब इसके ऊपर इसने तो अटैक कर दिया था, अब ये अटैक करेगा हमारा कौन? इलेक्ट्रोफाइल, ये यहां अटैक कर देगा और अटैक करके हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट। ये तो CH3 है, ये भी CH3 है, ये यहाँ कार्बन है, यहाँ जुड़ा रहा, पहले से ही जुड़ा हुआ है CN और अब जुड़ गया यहाँ OH, तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट यानी उत्पाद या क्रियाफल, ठीक है। तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट और इसका नाम ही है हमारा एसीटोन साइनोहेड्रिन।
ठीक है, जल्दी से पॉज करके लिखेंगे, अब जल्दी से पॉज करके लिखो बेटे। लिख लिया? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया में मैंने आपको बताया है कि योगात्मक अभिक्रिया का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर किसी पदार्थ का जुड़ना। फिर बताया कि एक एग्जाम्पल भी बताया था। फिर उसके बाद बताया कि योगात्मक अभिक्रिया 3 तरह की होती है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट अटैकिंग रिएजेंट। प्रथम आक्रमणकारी अभिकर्मक के आधार पर योगात्मक अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। उसमें पहली तो बताई इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। उसका मतलब क्या होता है कि उसमें फर्स्ट अटैकिंग रिएजेंट होता है इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही। फिर दूसरी बताई आपको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। परिभाषा बताई कि इसमें फर्स्ट अटैकिंग रिएजेंट होता है फ्री रेडिकल। फिर बताई आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें बताया कि फर्स्ट अटैकिंग रिएजेंट होता है न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही। और ये जो 3 प्रकार हमने पढ़े हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इन 3ों तरह के एडिशन रिएक्शन का हमने मैकेनिज्म भी पढ़ा है, क्रियाविधि भी पढ़ी है कि कैसे होती है रिएक्शन, कितने स्टेप में होती है। 3 स्टेप में। पहले स्टेप में या तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा या फिर फ्री रेडिकल बनेगा या फिर न्यूक्लियोफाइल बनेगा। सेकेंड स्टेप में जो भी चीज बनी है वो अटैक करेगी। और थर्ड स्टेप में जो हमारा इंटरमीडिएट बना था उस इंटरमीडिएट पे बची हुई चीज अटैक करेगी। ठीक है, यही तो बात सीखी है हमने। तो कल हम इससे अगले टाइप के रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।